तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं कवर करने वाली हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक्चुअली मैंने शुरू किया है एक टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाना, डैट इज़ द ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। यस, यूपीएससी एस्पिरेंट का जो बिगनर्स होते हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि कौन सा ऑप्शनल चूज़ करें और कौन सा नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो जितने भी ऑप्शनल हैं मैं सबको कवर करूँगी एंड सबको समझा दूँगी कि कौन सा ऑप्शनल आपको चूज़ करना चाहिए या नहीं, और एक ही प्लेटफॉर्म में आपको सारे के सारे ऑप्शनल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगा। सो फर्स्ट जो मैंने शुरू किया है वो दैट इज़ विथ एंथ्रोपोलॉजी, क्योंकि एक बहुत ही फेमस ऑप्शनल इसे माना गया है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले अगर पूछा जाए कि वाई एंथ्रोपोलॉजी, तो सबसे पहले इसका कुछ अच्छा ही जानते हैं। तो ये जो ऑप्शनल है इसमें आपको सबसे ज़्यादा जो पोर्शन मिलेगा वो स्टैटिक पोर्शन मिलेगा। दूसरे ऑप्शनल्स के मुताबिक जैसे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ये जितने भी ऑप्शनल्स होते हैं इसमें आपको स्टैटिक प्लस डायनेमिक मिलता है। बट यहाँ का जो सिलेबस है यहाँ पे आपको स्टैटिक मिलेगा। इजी लैंग्वेज में बता देती हूँ कि स्टैटिक का मतलब होता है जो कि रुका हुआ, थमा हुआ, मतलब इसमें आपको कुछ करेंट अफेयर्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है उतना ज़्यादा जितना बाकी सब्जेक्ट्स में करना पड़ता है। सो दैट इज़ वन ऑफ द प्लस पॉइंट अबाउट दिस सब्जेक्ट। नाउ लेट्स कम टू द प्रोस ऑफ एंथ्रो। द प्रोस ऑफ एंथ्रो मतलब कि एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल का कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स। सो नंबर वन इज़ यू जनरली गेट डायरेक्ट क्वेश्चंस आस्क्ड। अगर आप इस ऑप्शनल सब्जेक्ट का अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे सिलेबस का और अगर आप उसे मैच करोगे क्वेश्चन पेपर के साथ, तो आप पाओगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट होता है कि आप जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनका मॉडल आंसर तैयार कर लो। सो देयर इज़ हाई पॉसिबिलिटी कि आपका जब एग्जाम होगा तो उससे रिलेटेड मिलता जुलता क्वेश्चन आ जाए एंड आप उसे आराम से टैकल कर लो। द सेकेंड गुड पॉइंट अबाउट दिस एंथ्रोपोलॉजी इज़ इनका जो सिलेबस होता है ये बाकी सब्जेक्ट्स के मुताबिक थोड़ा कम होता है। तो अगर कम सिलेबस हुआ तो आपके पास बर्डन कम होगा, बर्डन कम होगा तो आप उसे जल्दी से कम्प्लीट कर लोगे अलॉन्ग विथ योर जीएस एंड आप उसे मल्टीपल रिविजन भी कर पाओगे। सो या ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है। नाउ द पॉइंट नंबर थ्री विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट कि ये जितने भी बाकी ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पब एड और पीएसआईआर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके मुताबिक ये सब्जेक्ट काफ़ी स्कोरिंग है। यहाँ पे आपको स्कोर मिलने के चांसेस बहुत हाई है। अब ऐसा क्यों है भाई? तो यहाँ पे आपको जो डायग्राम्स और फ्लो चार्ट है यहाँ पे आप भरपूर मात्रा में इसे यूज़ कर सकते हो एंड अपने जो पेपर में इसे अच्छे से डिपिक्ट करके आप अपने जो एग्जामिनर होते हैं उन्हें खुश कर सकते हो। क्योंकि अगर आप अपने एग्जाम में डायग्राम्स एंड जो चार्ट्स होते हैं वो ज़्यादा अगर यूज़ करते हो तो वो क्लियर इंप्रेशन बनाता है और आपको मार्क्स ज़्यादा मिलता है। सो दिस इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव पॉइंट एंड वेरी गुड पॉइंट। नाउ द नेक्स्ट गुड पॉइंट अबाउट दिस ऑप्शनल इज़ ये ऑप्शनल साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है। बहुत सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो कि यूपीएससी देते हैं वो इस ऑप्शनल को चूज़ करते हैं क्योंकि ये जो ऑप्शनल है इसमें आपको बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। तो जाहिर सी बात है जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं उनका अंडरस्टैंडिंग पावर ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के स्टूडेंट के मुताबिक ज़्यादा होता है क्योंकि उनमें एक स्किल डेवलप करवा दिया जाता है शुरू से ही। सो ह्यूमैनिटीज़ वाले डोंट गेट ऑफेंडेड क्योंकि आप लोग को हमेशा लिखने के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर योर मेन्स आंसर। सो साइंस वाले बच्चे अगर आप कन्फ्यूज़ हो, आप नहीं चाहते हो कि आप एक दूसरे एग्जाम्स को मतलब दूसरे सब्जेक्ट्स को ऑप्ट करो तो यू कैन गो फॉर दिस ऑप्शनल। नाउ द फिफ्थ गुड पॉइंट अबाउट दिस सब्जेक्ट इज़ इसका एक स्मॉल पोर्शन होता है सिलेबस का जो कि ओवरलैप कर जाता है आपके जीएस के कुछ टॉपिक्स के साथ, जैसे कि सोसाइटी जो कि पार्ट है जीएस पेपर वन का, सोशल जस्टिस, एक्चुअली हियर इट इज़ रिटन इनजस्टिस बट इट विल बी सोशल जस्टिस विच इज़ अगेन पार्ट ऑफ जीएस वन, ट्राइबल इश्यूज एंड इंटरनल सिक्योरिटीज दिज आर पार्ट ऑफ जीएस पेपर थ्री। ओके, तो यहाँ पे आपको ओवरलैपिंग मिल जाती है, मतलब कि जीएस के साथ साथ आपके ऑप्शनल की भी तैयारी हो जाती है बहुत सारे टॉपिक्स की। सो या इट इज़ अगेन कम्स टू बी हेल्पफुल। अब हर अच्छी चीज़ के साथ एक बुरा चीज़ भी आता है। सो देख लेते हैं यहाँ नेगेटिव क्या है इस सब्जेक्ट के बारे में। तो इस सब्जेक्ट का जो गाइडेंस है वो काफ़ी लिमिटेड है मार्केट में एंड साथ ही साथ इसका जो स्टडी मटेरियल है वो भी लिमिटेड है। तो अगर आप यूपीएससी ऑप्शनल का कोई कोचिंग लेते हो तो फिर ठीक है, बट अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो थोड़ा रिसर्च कर लो, थोड़ा सा आप मार्केट घूमो एंड बुक्स के बारे में पता करो, टॉपर्स के इंटरव्यूज़ देखो एंड साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी आप देख सकते हो। अलग अलग चैनल्स होते हैं अलग अलग ऑप्शनल के लिए, तो यू कैन चेक ऑल दैट। एंड द सेकेंड मोस्ट नेगेटिव थिंग अबाउट दिस सब्जेक्ट इज एंथ्रोपोलॉजी जो सब्जेक्ट है ना इसमें आपको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, ऐसा चाहिए कि कोई आपको शेप कर दे स्टार्टिंग से, क्योंकि अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है। टाइम टेकिंग हो जाएगा तो ऑब्वियसली रिविजन करने में भी आपको काफ़ी टाइम लगेगा, बट इसमें कोई बुराई नहीं है। ज़रूरी नहीं कि हर कोई जो ऑप्शनल लेगा एंथ्रोपोलॉजी में तो उन्हें कोचिंग जाने की ज़रूरत है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
कोई थंब रूल नहीं है। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है, इफ़ यू आर अपियरिंग फॉर 24 और इफ़ यू आर एमिंग फॉर 25, यू कैन गो फॉर इट। और इवन इफ़ यू आर एमिंग फॉर 2023 ऑल्सो, उसके लिए भी आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। बट प्लीज़ कीप इन माइंड कि आपको रिविजन की ज़रूरत है बिफोर योर मेन्स एग्जामिनेशन। सो बस ये एक नेगेटिव पॉइंट है, अदरवाइज इसमें कुछ नेगेटिव नहीं है। अब जो ये पॉइंट है, मैं इसे नेगेटिव नहीं मानती हूँ, क्योंकि ठीक है, ये पॉइंट ये कहता है कि कॉन्सेप्ट एंड इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए इस सब्जेक्ट के लिए। यहाँ पे रट्टा मारना वाला चीज़ नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए इस सब्जेक्ट को साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट के लिए अच्छा बताया गया है। बट अगर आप आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, डजेंट मैटर, आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, टेक्निकल हो, जो भी हो, आप इसे ऑप्ट कर सकते हो, क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, उनका क्लियरेंस चाहिए, मतलब क्लैरिटी चाहिए होता है। आप जो भी पढ़ते हो, यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट, और आपकी समझ जो है ना, वो बहुत इंटेलेक्चुअल लेवल की होनी चाहिए। बट ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो हर सब्जेक्ट के साथ ऐसा है, ठीक है। तो मैं नहीं मानती कि ये सब कुछ नेगेटिव है, बट यू कैन चेक इट, ओके। अपने ईज के हिसाब से आप इस सब्जेक्ट को ले सकते हो। यहाँ पे देख लेते हैं कुछ टॉपर्स, उनके रैंक और किस ईयर में उन्होंने ये रैंक हासिल किया। तो सबसे पहला जो आता है, दैट इज़ अनुदीप दुरी शेट्टी सर। तो ये तो सबसे फेमस टॉपर रहे इस ऑप्शनल के साथ। आप इनके नोट्स भी चेक कर सकते हो, ओके। फिर सचिन गुप्ता सर है, कोया श्री हर्षा। आई एम नॉट गोइंग टू रीड द होल लिस्ट, आप खुद ही देख सकते हो कि अच्छा खासा रैंक इन्हें, टॉप रैंक मिला हुआ है, 1, 3, 6, 14, मीन्स बहुत ही अच्छा और प्रचलित सब्जेक्ट रहा है, तभी तो इन्हें इतना बढ़िया रैंक मिला है। और ये रहा एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड यूपीएससी बुक्स। ये पेपर वन के सारे बुक्स यहाँ पे मेंशन है, क्योंकि हमें पता है कि पेपर वन होता है एंड पेपर टू होता है। तो ये जितने भी बुक्स हैं, ये दिस इज़ ऑल अबाउट पेपर वन, एंड द नेक्स्ट स्लाइड इज़ फॉर पेपर टू। सो आप क्या कर सकते हो, आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, एंड आप या तो स्क्रीनशॉट ले लो, और एल्स आप एक नोटबुक निकाल के इन्हें आप लिख सकते हो। सो ये पेपर टू का बुक्स है, एंड दिस इज़ पेपर वन, ओके। और अगर हम बात कर ले कि इसके सक्सेस रेट क्या है, तो आई वुड से द सक्सेस रेट ऑफ दिस ऑप्शनल इज़ 10%। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, यू कैन गो फॉर इट, यू कैन गिव अ चेक टू इट, इट्स अ वेरी गुड ऑप्शनल। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं और दूसरे ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में कवर करूंगी। टिल देन स्टे सेफ, हैप्पी, एंड लेट्स क्रैक इट टुगेदर।